आइलैंड सा लग रहा है। अरे मत तोड़ मम्मी, कोई डांटेगा। 7 किलोमीटर लंबा है ये ताल। छोटे छोटे गांव, बीच में नदी बह रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा प्लान बना है कहीं घूमने आने का। प्लान था नहीं कुछ भी, बट मैं एक्चुअली हमारा पांडुखोरी आने का प्लान हो रहा था, बट वो काफी दूर है यहाँ से और हिम्मत को कल सुबह ड्राइव भी करना है और वहाँ पर थोड़ा चढ़ाई भी है। ट्रैकिंग है वहाँ पे 3-4 किलोमीटर की, ऊपर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आज मैं ये लगा लो 4-8 किलोमीटर भी अगर ऊपर नीचे जाता हूँ तो कल मेरे को पूरा दिन ड्राइव करना है। तो इसीलिए फिर मेरे दिमाग में सुबह ऐसे बैठे हुए थे बाहर, तो मैंने हिम्मत से कहा कि देखते हैं नियर बाय कोई अगर जगह होती है। तो नियर बाय हमारे यहाँ से कोई पता नहीं कड़क है या खड़क ताल है, ऐसे कोई कुछ ताल है, पूरी झील है। अगर आप लोग नैनीताल गए होंगे तो इस नैनीताल में झील है, वैसी ही झील है, बल्कि ये बोलूँगी उससे बड़ी झील है। बट पता नहीं इस समय वहाँ पानी भरा होगा या नहीं, क्योंकि गर्मी में तो पूरा पानी भरा है लेकिन ठंड में पानी वहाँ पर सूख जाता है। बट यहाँ बारिश हो रही 2-3 दिनों से, तो मैंने हमसे मे भी शायद वहाँ भरा हो पानी जितना भी होगा, और नहीं भी होगा थोड़ा सा मतलब एक ट्रिप सी हो जाएगी। नियर बाई है, 20 किलोमीटर करीब का रास्ता है हमारे घर से। तो मैं, मम्मी, चारू और हेमंत, हम 4 लोग जा रहे हैं। सुबह से जाने की सोच रहे थे, मम्मी का स्कूल का कुछ सामान वगैरह आना था, गाड़ी वगैरह आनी थी। इच्छुगर में बैठे 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 11 बज गए हैं। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, अगर हम आराम से भी शाम को 3-4 बजे तक आ जाएंगे तो कल फिर मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा अगले कितने दिनों के लिए, अगले महीने तक, अगले काफी दिनों के लिए। तो खुशी हो जा, खुश हो जाएगा, बीवी जा रही है, जान कोई नहीं खाएगा। बेटा मेरे से ज्यादा खुश तो और क्यों होगी, मैं तो खुशी हूँ। तो अपने घर में भैया, अपना घर तो अपना घर ही है, चाहे कैसा भी हो जाए तो अपना घर में तो अच्छा ही लगता है, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ। तो अब चलते हैं यहाँ से भाई। चलो जी निकालते हैं गाड़ी, गाड़ी का तो गंदो रखा है, बैठ। बरसात ही में मतलब आजकल तो बहुत ही कम पानी है इसमें, ये उसका है ना, ये पूरा देखो लंबाई देखो गाइस, 7 किलोमीटर लंबा है ये ताल, 7 किलोमीटर। और ये यहाँ से ब्रेस्ट वॉल, नाली और रिटेनिंग वॉल बना के, भरान बना के, इसका जो ये आपको दिख रहा होगा नीचे को पानी छोड़ा गया है, जो लोग भी सिविल इंजीनियर समझ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर खुदाई कार्य कितना हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन सी JCB यूज़ हुई, कितने मीटर यूज़ हुई और कितने कंक्रीट यूज़, सब कुछ यहाँ पर बहुत डिटेल, और कितने लाख का यहाँ पर वो आया था, बजट आया था सरकार की तरफ, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल एंड में ताल के, जहाँ से कि ताल शुरू होता है, देखो वो देखो ताल के आगे गाँव चालू होते हैं, वहाँ जा रही हूँ मैं। अरे दोस्तों उतर गए हम लोग। एक्चुअली देखो यहाँ लिखा हुआ है तड़क ताल, इसके ऊपर वो कॉलेज वगैरह। मैं यहाँ पर ना आपको ये दिखाने के लिए रुकी थी, पूरे ग्राउंड में सारे घोड़े 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 घूम रहे हैं, और इधर की तरफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक नदी आ रही है, ये नदी है। नीचे को जाना है, नीचे को पानी भरा हुआ है सारा। चलो गाइस चलते हैं, ये पता नहीं कहाँ ले आने की, तो उसे पता नहीं कहाँ ले आ रहे, मम्मी कहीं नीचे को चलो जहाँ घोड़े चल रहे हैं, चौराहों में नहाने। हमने अभी तक ताल क्रॉस करके हम आगे आ गए, ताल क्या दिखाते हैं समझ ही नहीं आया कुछ, मतलब अगर आप लोगों ने भीमताल देखा तो भीमताल से बड़ा है, भीमताल के बराबर है, पता नहीं यार मेरे तो भीमताल से बड़ा होगा मेरे ख्याल से ताल, अभी तो सिर्फ सूख गया है ना, ताल भी बड़ा लग रहा है नैनीताल। यार ये 7 किलोमीटर कम हो गया नैनीताल का ताल, बुआ ने क्या बताया कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर होता है, कितने किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर का ताल है ये, अभी तो सूख रखा है, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ से पानी भरा रहता है ये ग्राउंड में। पानी भरा है ताल में, ऐसा गेहूँ बो देंगे लोग, अभी पानी है, 1 महीने बाद सूख जाएगा,
वहाँ ओड़े होंगे बीच बीच में कि मेरा इतना यहाँ मेरा है मेरा है करके। हाँ, तो उसमें पत्थर रखे हुए उन्होंने, समझे तुम? बहुत अच्छी जो ये आपको झील दिख रही है, झील के नीचे पत्थर है। ऐसा हमारे गांव में होता है ना कि ये खेत हमारा है वो खेत हमारा है। तो अभी जब ये ठंडी में क्या होता है कि ताल पूरा सूख जाएगा, और गर्मी में जो हम यहाँ खड़े हैं दिखाई जिधर सारे घोड़े वोड़े सारे घास वास चरे सारा यहाँ पानी भर जाता है और ये पूरा ऊपर तक आता है। मतलब सोचो कि कैसा है कि मतलब गर्मी में पूरा पानी और ठंडी में यहाँ पर खेती हो रही है, पूरा हिसाब किताब ही अलग है। बढ़िया। अभी हम ठंडी में आए क्योंकि बरसात हो गई है, दो तीन दिन से पानी मतलब बिल्कुल सूखा हुआ होता है, कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो फिर भी पानी है पहाड़ खींच गया तो। हाँ, और कहते हैं कि जिस दिन अगर टूट वूट जाए ताल तो हमारे वहाँ को, क्योंकि नदी हमारे वहाँ को आती है तो हमारे वहाँ को भी सब बह जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा है। और फिर 7.5 किलोमीटर कम थोड़ा होता है, नैनीताल के बराबर सभी ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। सही बात है, बहुत बड़ा। अगर यहाँ पर सरकार मेंटेनेंस करे ना इसको, यहाँ पर होटल बना दे, रिजॉर्ट बना दे, बोट वोट लगा दे, तो जो लोग टूरिस्ट प्लेस बन जाए, महंगे में रहते हैं बिल्कुल वही है, सेम कुछ नहीं है अलग, बस ये कि थोड़ा वही सर अपने लोगों की नजरों में नहीं तो लोग आते नहीं इधर। हमारे वैसे तो बहुत नजदीक है। हम लोग हनीमून पर गए थे ना अंडमान निकोबार, वहाँ के पानी को भी फेल कर रहा है, पता नहीं फोन में तो ये पता नहीं क्या है, दिखाई नहीं देती क्लियरिटी, इतना ब्लू पानी और इतना साफ पानी, एक एक पत्थर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ उस मंदिर में, हेमंत कह रहा है कि नियर बाई देखना है ताल के, मम्मी तो चल दी है, मम्मी कह रही है गाड़ी के बिना नहीं आऊँगी, वही मैं गाड़ी लाओ ये, और मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी वाला गया गाड़ी लेने के लिए, आ गए, आया गाड़ी वाला, आया कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कितना रुपए सवारी, कितने रुपए सवारी, कितने रुपए सवारी? 20 रुपए। अरे नकली ड्राइवर है, 20 रुपए की सवारी ले रहा है यहाँ चकोटिया मासी का, तो पता कितने 100 रुपए भी कम है यहाँ पर, 150 रुपया देगा चलेगा तो पता। बढ़िया भाई मेरी तरफ से। अगर सच में अगर तुम 20 रुपए सवारी ले रहे तो बेवकूफ है पता है। बैठ बैठ किस लिए आना है पर? मम्मी के पास, मम्मी पैसे वाली हो रही है आजकल। मम्मी पैसे वाली हो रही है। ये मिला हमको रास्ता, इतना छोटा सा बनाया है, अब यहाँ से अगर आप देखते हो रोड में चलते हो आपको लग रहा है यहाँ पे कोई रास्ता है, ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है हमको रास्ता वहाँ से। हम आगे चले गए थे ना जो मैंने दिखाया था आपको, धूप तो होगी तेज हेमंत। अरे चलो भैया चलो, चिप्स वगैरह ले रहे थे ना हेमंत, खा लेते वहाँ पे चिप्स वगैरह। चिप्स यार छोड़, भी वहाँ आगे वो ताल, ये तो खत्म हो रहा है ना यहाँ पर ताल, जो गहरा ताल है वो तो आगे चलेगा 2-3 किलोमीटर आगे। हाँ आगे जाएंगे, ये तो बस मैं लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ क्या क्या है। हेमंत कितना सुंदर है नीचे यार, देखो पानी कितना साफ है, सबको यही बता रही थी अभी कि हमारे जहाँ हनीमून पे गए थे ना, बोले तो मैं कुछ बोल रही हूँ मैं, अंडमान निकोबार में वहाँ का पानी भी फेल कर रहा है यहाँ का पानी, यहाँ को तो खैर गंदा हो रहा है लेकिन उधर को साफ हो रहा है जहाँ से पानी आ रहा है अम्मी? अब मैं तो ये सोच रहा हूँ तू क्या ओशन को एक रिवर से कंपेयर कर रही है तो। अरे ओशन को रिवर से नहीं, मैं साफ पानी को कंपेयर कर रही हूँ यार गधे, पानी जो वहाँ से इतना क्लियर आ रहा है ना, मैं वो केक काट दिया। खा लो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? खेतों में जाना है क्या? हाँ तो रास्ता ही खेतों से, गांव वालों का मंदिर है ना। हेमंत परेशान हो गया, हेमंत कह रहा कैसा रास्ता है, यहाँ मिट्टी हो रही है, यहाँ सांप तो नहीं हो रहा है, मुंह देखो उसका परेशान। परेशान नहीं, इसलिए हमेशा इंसानों को उत्तराखंड में पला बड़ा होना चाहिए, देसी वो आते हैं ना जो इनके यही हालत होती है। फिर जूते उतार के जाएंगे चारों, उतारने आएंगे जूते। हाँ मंदिर में आओ, जूते उतार के नहीं आओगे? चलो वो राम। हाँ मंदिर के पीछे टीचर का वो व्यू है ना तार का, इसीलिए हम आए मंदिर भी बोलेंगे। पहले पीछे चलते हैं, बड़े पकड़ना जूते उतार रही हूँ मैं, पहले पीछे चलते हैं ना। आ जाओ। तो गाइस ये हमें रास्ता मिल गया ताल पहुँचने का, एंड मम्मी चप्पल पहनो, ये सर मम्मी चुभेगा पैरों में, कुछ नंगे पैर मत आओ मम्मी, याद ही श्रद्धा में आती हूँ। आ जाओ आ जाओ। क्या इधर दिखा मुझे, भैंस? अच्छा भैंस, भैंस तैर रहा है। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, उधर पानी कह रहा आगे। अरे यहाँ तो कहीं जा ही नहीं पाओगे, वही तो ना एंड है, तो ये जाओगे ना यहाँ, फोटो वोटो आ जाएगी तुम्हारी। चलो इधर की साइड में भैंस यहाँ ही आ रही है, मन दौड़ते हुए वहां से
खतरा क्या है? खतरा देख, रास्ता देख। अरे ये इतना बड़ा पहाड़ है अभी। पहाड़ है इधर, ये देख जरा, ये खतरा नहीं है, ये पूरा रास्ता दिख रहा है कहीं जाने लायक। किधर से? ये बता दो रे, ये वाला रास्ता मुझे लग रहा है। जा, आराम से जाइए चारू। अरे कुछ नहीं हो रहा मम्मी, मम्मी ने हल्ला मचा दिया बहुत ही ज्यादा ऊपर से। बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है, अरे नई जगह है, अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे यहाँ तो बहुत जगह है, यहाँ तो चार जगह है, और यहाँ भैंसों के लिए भी बहुत जगह है। ये देखो मुंडी हिला हिला के नहा रही, क्या मस्त नहा रही है। अरे ओहो, पर तार सूख चुका है, बहुत कम है। आते फोटो खींचो, वो तो डर गया, वो तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहे, सच में नहीं आ रहे हो? वो मम्मी तो वहाँ बैठ गई अपने फोन लेके। चल चलते फोटो खींचती हूँ, चल भागो। अरे चल चल, हाय, हेलो। वो हमको देख कर डर गया, उसका मुंह देखो, हाय। चारू को देख रहे, उसको डरा रहे। चलो 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 चलो, उसकी माँ भी आ गई, चल यार मारेगी। चल चल चल, माँ आ गई इसकी। अरे चल चल चल, गाड़ी में बैठा के ले चले। अरे चलो यार, 40,000 का बेचेंगे, 80,000। अभी थोड़ी देर में ऊपर को दौड़ेगी। उसने तो उनका वो बच्चा है, वो तभी डर। आ जा आ जा आ जा, अरे ये दोनों ही बच्चे हैं। शिशौन है, बच्चों को डराना होता है, उसको लगाओ, थोड़ी देर तक बॉडी हिलती रहती है। बहुत जाना, कहाँ चाह रहे दोनों भैंस? बिच्छू घास क्या आप कैसे कर सकते हैं? चाय पत्ती? अरे हाँ, मैं गई थी रानी खेत में, तो वो बिच्छू की चाय पत्ती बना रहे हैं। भगवती में भी बनाते हैं, भगवती में हैं। ले जाओ दिल्ली को, और मम्मी बता तो रही है, जहर की नहीं, इसका वो गन्ना वाला चाय पत्ती। कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ। अरे कुछ वो किया होगा ना एक्सपेरिमेंट, तभी तो कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ा करेंगे अपने मन से। चलो बस हाथ जोड़ो भगवान जी को भी, चलो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, आगे चलो। क्या हो गया? पोपटी होता है हमारा, तो हम जहाँ जाते हैं पोपटी होता है, पर ठीक है, इतना भी देख लिया, बहुत है बहुत है। भगवान जी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चलो हाथ वाथ जोड़ो, शिवलिंग वगैरह, चलो मोटे मोटे हाथ वाथ जोड़ते हैं। चलो मम्मी तो अपना लगी हुई है पूजा पाठ करने में। देखो यहाँ पर बाबा लोग के रहने के लिए कोटी भी बना रखी है, हवन यज्ञ। मैं आपको दिखाने लाई थी, ये मौसमी हो रहे हैं भर भर के इस पेड़ में, देखो लेकिन कच्चे हो रहे हैं। चारू कह रहे हैं पके होते, मैं तोड़ के लाया, चारू की नज़र पड़ेगी उनमें कभी देर से। क्या चीज? एक कुटिया टाइप। हाँ यहाँ बाबा जी रहते होंगे ना? अभी नहीं, कुटिया है। मम्मी तो चली रही, मौसी पकड़ खाए क्या? अरे मत तोड़ मम्मी, कोई डांटेगा। नहीं नहीं, एक एक खाओ। ऐसे कैसे खाओगे तोड़ के? हैं ऐसे कर तोड़ लोगे? ये देखो 99। ये और मैं आपको ये दिखाने आई थी, पेठा देखा होगा आपने, पेठे की मिठाई बनती है। ये यहाँ पर इस तरह से सारा पेठा पड़ा हुआ है, और कोई देख भी नहीं रहा बेचारे इन पेठों को। चलो इन तो बनाएंगे हम। पकड़ खाए क्या? हैं और खाए हुए पके हुए मौसमी? देख रही थी पके नहीं पके, मम्मी थोड़ा चोरी कर रही। हाँ ये कर लो, पहले लो। मम्मी ने मंदिर के मंदिर का माल निकाल के खाने को तैयार हो गए ये लोग। अरे मुंह छुपाया क्या करेगा, पूरी दुनिया देख रही तुम लोगों के कांडों को, मंदिरों के कांड। ऐसे हो तो अच्छे रहे, मौसमी है, चक्कर देखो पहाड़ी है। अब मेरे को तो मैं खा के देखती हूँ। खट्टा तुम्हारे मुंह देख के मेरा मुंह खट्टा हो गया। ना ना ये नीचे मेरे को मत खाओ। ना नहीं खे। हाँ अब खाया नहीं आ रहा, खट्टा लग रहा, अब आए खाए। मेरे को तो अच्छा लग रहा, खट्टा मीठा हो रहा है, खट्टा मीठा हो रहा है। चारू के देखो मुंह कैसा हो गया चारू का। बहुत खट्टा है। मम्मी मम्मी को पूरा स्वाद आ रहा है, देख भेजा हो। मम्मी ने कह रखा है कि मम्मी को स्वाद आ रहा है। चोरी नहीं यार, चोरी का माल। मेरी चोरी नहीं यार, चोरी नहीं। क्या था फिर? भगवान हम तो नीला है, 10 रुपए जाओ वहां जल्दी यहां पे 10 रुपए लगा के जाओ। मम्मी की बात, भगवान हम तो नीला है, चोर लिया। हम यहाँ जन्म जन्म के भूखे। हाँ कह तो रहे यहाँ पर है रहने वाले। तो नहीं
ताला लगा हुआ उधर। नहीं अब घर है ना, पूछे तो भी बंदर ही खाएंगे। सुनसान इलाका पूरा। हाँ पूरा सुनसान है। अब फड़ किसते पर ये गाय भैंसे किन की है इतनी सारी? इतने बड़े बड़े गाँव दिख रहे तुमको? अच्छा यहाँ पर लोग बहुत भैंस पालते हैं, लगता है बहुत ही भैंस है यार। बहुत ज्यादा है देखो ना पीछे, पूरे गाय घोड़ा भैंस सब है। हम लोग मंदिर से आ गए, इन लोगों की गर्मी से इतनी हालत खराब हो गई, चारों बैठ गया रोड में। हेमंत ने कह दिया मेरी हालत खराब हो गई, मेरी हालत खराब हो गई, मैं भीग गया हूँ। वहाँ मम्मी गई, मेरे सर घूमने लग गए आने लायक नहीं। ये लोग इन लोगों को कभी ठंडी लग जा रही है, जैसी बचे वैसे उनको ठंडी लगी, यहाँ ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और जैसे मंदिर पहुंचे वैसे कर यहाँ गर्मी हो रही है, मेरी हालत खराब हो गया। अरे भैया ये देखो ऐसे कुछ भी बोलते, गर्मी बहुत गर्मी तो है भाई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं अब दिखाने वाला थी उनको तड़कता, मैं आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए रास्ते में रुकी हूँ। हेमंत परेशान हो गया गर्मी से, गर्मी 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 लगा हुआ है। ये देखो यहाँ से देखो आप लोग ये व्यू दिख ही नहीं रहा, पूरा हर जगह पे वो लगे हुए हैं पेड़ 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 नहीं होते तो भी दिखाई भी देता कुछ। ये जो ताल है, अरे आ जाओ व्लॉगर, व्लॉगर आ जाओ। मम्मी के अंदर से चिल्लाने में लगी, नीचे को मजा ना खींचेगी। आगे तक है वो, बहुत आगे तक। अभी हम आधे रास्ते में उतर गए, मैंने कहा भाई मेरी हिम्मत नहीं है। ये देखो यहाँ गांव में बिल्कुल नज़दीक, मुझे समझ में आता कि जब यहाँ पानी भरता होगा तो गांव के लोगों को डर नहीं लगती होगी यहाँ पर रहने में। आ जाओ, मम्मी नहीं आ रही है, मम्मी को डर लग रहा है। आओ हेमंत भाई, जाली ब्लॉगर सबके साथ। अब क्या हो गया है? अब मजा क्या आएगा? मैंने तो बोला ही था यहाँ पर सिर्फ ताली ताल और कुछ है ही नहीं देखने के लिए जंगलों के बीच में। मैंने पहले ही बोला था ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना, वही है। ये देखो आसमान देखो, पहाड़ देखो, गांव देखो, छोटा सा ताल, रोज यही देख रहे हो? कोई बात नहीं, बोलो तो आगे तक है, वहां तक है, बहुत आगे तक, 7.5 किलोमीटर। हाँ सही बोल रहे हो। देख वहाँ कुत्ता आ गया, जैसे कोई कुत्ता चाहिए था वैसे कुत्ता वहाँ दिख रहा है गांव से आते हुए, वही कुत्ता चाहिए। अरे हाँ बताना भूल गई, अभी हम जब आ रहे थे ना चकोटिया पे, तुम्हें बताऊँ? तुम ही बता दो, तुम्हें कुत्ता शौक हो रहा है। हेमंत चारू ने बोला था हेमंत को कि मैं आपको चकोटिया की तरफ को ले आऊंगा, वहाँ जरूर कुत्ते के पिल्ले मिल जाएंगे। तो जैसे ही हम गुजरे चकोटिया, हमने एंट्री की थी, एक माँ अपने दो पिल्लों को लेके आ रही थी और बिल्कुल हस्की से मिक्स ब्रीड लग रहा था वो। हेमंत का इसको गाड़ी में बैठा ना, गाड़ी में कहाँ बैठा है, हम लोग जंगल में आ रहे हैं घूमने के लिए, तभी जाए से मैं उसको भी पिक करना है हमें। अभी पता नहीं कहाँ हमें पिक करना है, क्या मिलेगा तो उसे अपनी माँ उसको ले जाने देगी, नहीं ले जाने ना। हेमंत ने जीत पड़ी, मुझे कुत्ता, तूने तो बोल दे पिक करने बिल्कुल हमारे इंतजार में बैठा होगा कि हमारे मालिक आएंगे हमें पिक करके ले जाएंगे। नेक्स्ट वन नंबर आएगी गाड़ी से, नंबर दे के जाना है वहाँ, ले चलो आ गए मालिक आ गए। उसकी माँ जो काटेगी ना तुम लोगों का बेटा गंदा वाला। हाँ मस्त लग रहा है हेमंत, देखो यहाँ से तो इतना अच्छा लग रहा है, इससे नीचे को थोड़ा नजदीक नजदीक जाओ ना तुम लोग। क्या यार मोटे क्या बात कर रहे हो, भीड़ सा कहाँ लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। पानी भी एकदम गंदा हो रखा है। नहीं पानी तो वो बरसात की वजह से गंदा हो रखा है। गाड़ी का दरवाजा खोल के चल रही है। मम्मी कह रही है तुम लोग वीडियो बनाओ, मैं जा रही हूँ। कितना चिल्ला रही तब से, मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, मम्मी चल रही जंगल के बीच में, पता नहीं कहाँ को चलेगी हमको छोड़ के। हम यहाँ पर रील और फोटो शूट करने में रह गए, और ये देखो अब हम मम्मी को ढूंढने आ रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा हो गया मम्मी को गए हुए। मम्मी गई कहाँ यही पता किसी को? चलो फिर अब गए से यहाँ कुछ है नहीं घूमने के लिए, बस यहाँ फोटो शूट करा लिया है, अब आगे को चलते हैं मम्मी को ढूंढते हैं। मम्मी हमेशा गायब हो जाती है। खा लो चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, खा ले चारू, चिप्स कोक वगैरह सब रखा हुआ है अंदर, सेब वगैरह। मोटे एडवेंचर, कुछ एडवेंचर नहीं था, नहीं आया यार मजा, बकवास। ओह वो रही मम्मी, गाड़ी छोड़ के हमको छोड़ के बताओ यहाँ जंगल के बीच में क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। हेमंत उसे बता भी, आज देख लिया हम आगे करके, ये देखो लो लो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कर क्या रहे हो मम्मी? जो तुम्हें किसने बोला जाने के लिए यहाँ से? रुक जा। मैं पैदल जाने की सोच रही थी और अब ना यहाँ पर कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, चारों तरफ इतना मोटा वाला वो है, हमको पता भी नहीं था कि यहाँ व्यू आ रहा है। तुम आ जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। और अब ना
अब ना खड़े होकर फोटो खींच रही, अपने फोन से वीडियो बना रही है, उससे वीडियो बना रही थी जंगल के बीच में, देखो बाघ वाघ आया था थोड़ा, जहाँ से आपने फोटो वीडियो बनाई उधर नदी लग रही है। अब देखो मेरे को भी थोड़ा सा भूख लग गई। हाँ यार भूख तो बहुत तेज लग गई। खाओ खाओ। ये पागल हो गए भाई, ये बीच रोड में पता नहीं क्या लगी हुई है। बस कर, बस कर, हो गया। चलो ठीक है भाई, चलो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर को, हो गया ये काफी। अरे मेरे को रास्ते में एक भी और एक भी चाहिए दिखाना। क्या वो जो खेत है वहाँ पे? अच्छा एक जगह और है, वो और दिखा देंगे। बट ये पीछे यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट पे अच्छा लगा था, जो टापू ऐसे दिखाना वो आइलैंड सा लग रहा है छोटा सा। दिखाना क्या है? सेम है, सेम है, मजा आया। जाते जाते इनको एक और होश आ गई कि बैग में एप्पल रखे थे, चिप्स तो खा लिए, अब वो गाड़ी में बैठ के हम खा रहे हैं। मैंने कहा खाते खाते चले आते हैं, भूख लग गया सुबह से खाया, हमने बस पुआ खाया था सुबह। ये लोग किसका है? तुम सब लोगों ने खा लिया? तुम दोनों का है, मेरा है। अरे पुआ और तुझे भी रख दे, मैंने खुद चिप्स खा लिए। एक और चिप्स का देखो दो, वो खा लो, खा लेना। ये तो पानी का बोतल, मेरा नेक साफ कर अच्छे से। अच्छा आप कहाँ से करूँ? मैं पानी देता हूँ, मैं गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, पीछे से आ रहे हैं पैदल। आओ आओ, अरे यार पागल हो गए हो क्या? अरे हां पागल हो गए हो? हां पागल हो क्या? हां इनको बैठाऊंगा इन्हीं में गाड़ी में, आ रहे पीछे से। हाथ जोड़, पहले हाथ जोड़, पहले हाथ जोड़, गाड़ी में बैठा लो। मत कर यार, पागल हो गया क्या? चल खोल ले जा, क्या कर रहे हो पागलों की तरह? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा भी? मैं तो भाई बैठाने के मूड में नहीं था इस गाड़ी में। रुकना था ना पार जाके, हम सीधा वहीं रुकते हैं। मैं तो पैदल जाने के चक्कर में थी, मेरे को लगे डर मेरा कैदो आएगा, मेरे को ले जाएगा यहाँ। तुम्हें क्या दिमाग लगा पैदल जाने का मुझे बता, तुम्हें क्या लगा यहाँ पर? अभी कोई उठा ले आता ना यहाँ से, नदी में से, नदी में से, नदी में से। अरे यार पानी गया सारा, हाँ तब्बा चलता फिर। मम्मी भी, अरे यार पानी मेरे सारे कपड़ों में गिर गया। गाइस इन्होंने फिर से गाड़ी रुकवा दी। नीचे छोटे छोटे गांव, बीच में नदी बह रही है, उधर गांव, इधर सारे गांव, और सामने पहाड़, इतने सुंदर लग रहे हैं ना यार, ये पूरा यार गजब ही है सच में। सच में यार जन्नत है ना, है ना, पूरी जन्नत है ये, सच में जन्नत है। चले जन्नत जुबैर, जन्नत जुबैर वो क्या कह रहा है? उसको जन्नत के नाम पे एक ही चीज याद आती है, है भाई इतनी पसंद है तुझे? सच सच बता दे, बता दे कौन है वो? कौन है वो? अभी देखियो पलट गया, एक एक सेकंड में पलट गया अपनी स्टेटमेंट से। पता नहीं, तभी जन्नत बोलती, जन्नत जुबैर बोल दिया। चल कोई नहीं यार, अच्छी लगती है तो लगती है। दीदी की उम्र की, मेरी बड़ी बहन।